हाई एवरी वन, माई सेल्फ कुलदीप साहू, सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट PT जी ने मेरे कॉलेज रायपुर. एंड आई हैव मेड वन MBBS सीरीज और वन एनाटमी सीरीज नोन एज मास्टर एनाटमी अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइड. इन दिस सीरीज आई हैव मेड फाइव डिफरेंट वीडियोज एंड ईच वीडियो इज कंटेन डिफरेंट टॉपिक्स. इन द फर्स्ट वीडियो आई हैव टॉक्ड अबाउट द बेस्ट बुक्स फॉर एनाटमी टू रीड, एंड इन द सेकेंड वीडियो आई हैव टॉक्ड अबाउट द बेस्ट ऑनलाइन रिसोर्सेज to study the anatomy. In the third video, I've talked about how to master diagram in anatomy to score the highest marks or the maximum marks. And in the fourth video, I have talked about how to study anatomy and retain it longer. But although fourth video ko main jab aapke juniors aa jayenge tab upload karunga, and this is the fifth video that you are watching, and is par hum baat karenge. Firstly, so in this video, I'll be talking about how to write answer in MBBS exam. So without any further delay, let's start that video. And फर्स्ट ऑफ ऑल, नो द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ योर एग्जाम एंड क्वेश्चन पेपर. अब आपके एग्जाम और क्वेश्चन पेपर का बेसिक एलिमेंट क्या है, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ कि आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा, तो ईच क्वेश्चन पेपर विल हैव टू सेक्शंस, दो सेक्शन होगा, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, एंड टाइम गिवन विल बी 1.5 आवर्स फॉर ईच सेक्शन. तो एक पेपर में सेक्शन ए एंड सेक्शन बी है, और हर एक सेक्शन के लिए आपको 1.5 आवर, दैट मीन्स पूरे होल पेपर के लिए 3 घंटे का आपके पास टाइम रहेगा. एंड so you have to be mentally prepared that 3 hours of time is we are आपको mentally prepare रहना पड़ेगा कि यह जो 3 घंटे का जो समय है आपके लिए वो कम पड़ने वाला है. बिकॉज MBBS का एग्जाम इज अ काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो जाता है, बिकॉज 3 घंटे में आपको दो सेक्शंस लिखने हैं, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट. सो यू हैव टू बी मेंटली वेरी वेरी प्रिपेयर्ड कि भाई हो सकता है पेपर कंप्लीट ना हो, तो उस तरीके से आपको स्ट्रेटजी बनानी है. कभी मैं उस चीज़ पर बात करूँगा. लेट्स कम टू द टॉपिक नाउ. Each section, there is one 15 mark long question and there will be a 5 short questions each of 5 marks. आपको मैं इस चीज़ यहाँ से दिखाता कि देखो, एक MBBS anatomy का पेपर कैसे आ रहा होता है कि सेक्शन ए जब अपन स्टार्ट करें, तो सेक्शन ए में आपको सबसे पहले एक 15 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आता है, 15 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा, और उसके बाद 5 नंबर के 5 questions होंगे शॉर्ट वाले, एंड देन उसके बाद आपको 10 questions होंगे 1 नंबर के, और इस तरीके से सेक्शन ए कंप्लीट होता है. सेम वे यू विल बी हैविंग सेक्शन बी. सेक्शन बी में 15 मार्क्स के एक क्वेश्चन, 5 मार्क्स के 5 question वर्थ 25 मार्क्स, और 1 मार्क्स के 10 question वर्थ 10 मार्क्स. तो ऐसे करके सेक्शन बी होगा, और हर एक सेक्शन के लिए आपको 1.5 आवर मिल रहा होगा. दीज आर द बेसिक एलिमेंट्स जो मैं आपको बताना चाहूँगा. राइट नाउ, नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट फ्यू पॉइंट्स दैट मस्ट बी फॉलोड While answer writing to get maximum marks in anatomy. तो सबसे पहला पॉइंट अपन स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट. पॉइंट नंबर 1, डू नॉट राइट anything इन द फर्स्ट पेज ऑफ योर आंसर शीट. मैं आपको एक आंसर शीट दिखाता हूँ. सी, क्या होता है कि जो 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 आपको आंसर शीट्स मिलती है ना, तो आंसर शीट्स में सबसे पहले पेज पे आपके पास हो रहा होता है ऐसा कुछ जो आपके जो परफॉर्मा होता है एक तरीके से, कि आपको अपने कॉलेज का नाम, आपका रोल नंबर, आपका बहुत सारे ऐसे डिटेल जो आपको लिखने होते हैं, ये जो है मेरे कॉलेज का नहीं है, और ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए बताया कि पहले पेज में ऐसे डेटा फिल करना होता है. फिर सेकेंड ये होता है सेकेंड पेज, ये होता है थर्ड पेज. अब आपको करना क्या है कि कभी भी इस फर्स्ट पेज पे स्टार्ट तो आप कर ही नहीं सकते, इस सेकेंड पेज पे भी आपको कभी भी स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि इस सेकेंड पेज के जस्ट अपोजिट में ये परफॉर्मा लिखा होता है. और जब आप इस पेपर को कंप्लीट पूरा लिख के सबमिट कर देते हो, तो ये वाला जो पेपर है इसको ये लोग फोल्ड कर देते हैं, और ताकि एग्जामिनर जो चेक कर रहा है वो आपका रोल नंबर, आपका नाम, आपका डिटेल देख ना पाए. इस वजह से यहाँ से आप अपना आंसर लिखना स्टार्ट कभी मत करना, बिकॉज अगर आप यहाँ पे कोई भी आंसर लिखते हो वो फोल्ड हो जाएगा और वो कभी चेक नहीं हो पाएगा. सो ऑलवेज एंड ऑलवेज व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको हमेशा आंसर राइटिंग, जो आपका आंसर राइटिंग है, उसको हमेशा यहाँ से स्टार्ट करना होगा. ये आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको आंसर राइटिंग यहाँ से स्टार्ट करना होता है, ना आपको इधर से करना है, और ऊपर जो आपको डिटेल दिया होता है यहाँ तो आप कर भी नहीं सकते. सो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट दैट आई हैव टू टेल, और मैं आपको बहुत बेसिक चीज़ बता रहा हूँ. व्हेन आई वाज अपीयरिंग फॉर द MBBS एग्जाम इन माय फर्स्ट ईयर, तो मेरे खुद के बैचमेट्स ने बहुत बार जो है वो जिस पेज में डेटा होता है उसके जस्ट अपोजिट पेज में उन्होंने स्टार्ट कर दिया था. तो प्लीज़ डू नॉट डू दैट मिस्टेक. वो चेक नहीं होता है, पूरा का पूरा नंबर जो होगा वो ऐसे ही ड्रेन हो जाएगा. सो सेकेंड पॉइंट पे आते हैं. सेकेंड पॉइंट इज नेवर फॉरगेट टू ड्रॉ मार्जिन्स ऑन लेफ्ट साइड ऑफ योर क्वेश्चन पेपर एंड एग्जामिनर. लाइक मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, कि अगर हम क्वेश्चन पेपर पे हैं ना यार,
तो इस बात का आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है कि जब भी आप पेपर स्टार्ट करो तो पेपर स्टार्ट करने से पहले आपको अपने क्वेश्चन पेपर के लेफ्ट साइड में एक मार्जिन ज़रूर ड्रॉ करना है। विदाउट अ मार्जिन एक पेपर, एक आंसर शीट जो है कभी भी कंप्लीट नहीं होती है, ये एग्जामिनर मान के चलता है। तो टू गेट अ गुड मार्क्स यू हैव टू ड्रॉ अ मार्जिन, ये मार्जिन आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, ये दूसरी बात, ठीक है। और अपन थर्ड पॉइंट पे चले, तो थर्ड पॉइंट ये है कि नो वन विल टेल यू दिस बट राइटिंग पेपर इज इन अ सिक्वेंस हैज ऑलवेज एन एडवांटेज। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ये आपके फैकल्टीज, आपके प्रोफेसर जो आपको पढ़ा रहे होंगे भी, वो भी आपको बोलते होंगे कि यार ट्राई टू राइट आंसर्स इन अ सिक्वेंस एंड देयर इज अ लॉजिक फॉर इट, राइट। कि देखो होता क्या है कि अगर आपने शॉर्ट आंसर में पहले क्वेश्चन को लिखा, देन आप डायरेक्टली फोर्थ क्वेश्चन को लिख रहे हो, तो एग्जामिनर ये साइकोलॉजिकली समझ जाता है कि आपको दूसरा और तीसरा जो क्वेश्चन है वो आपको नहीं आता, राइट। तो वो उस हिसाब से नंबर देता है। तो अगर आप सीक्वेंस में लिखते हो, 1 2 3 4 5, पांचों क्वेश्चन को सीक्वेंस में अपीयर करते हो, एग्जामिनर को लगेगा यार कि बच्चे ने पूरा पढ़ा है, तभी उसको सारे आंसर्स आते हैं, एंड ही विल गिव यू 1 or 1.5 मार्क्स एक्स्ट्रा, और वो आपको बाकियों से रिलेटिवली अच्छे नंबर देगा। सो डोंट स्कीप द क्वेश्चंस, ट्राई टू राइट इट इन अ सीक्वेंस। हाँ, अगर आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आता है तो आपको यार स्किप करके उसको लास्ट में ही लिखना चाहिए, सो दैट आप उसको घुमा फिरा के कंटेंट ऐड कर करके आप लिख सको। बट ट्राई टू राइट आंसर्स इन अ सीक्वेंस। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट विल बी डोंट डू अ मिस्टेक व्हाइल राइटिंग इन अ पैराग्राफ। ऑलवेज एंड ऑलवेज राइट योर आंसर्स इन डिफरेंट हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, यूज बुलेटिन्स टू ब्रेक द पैराग्राफ इनटू पॉइंट्स। अब आपको समझना है कि जब भी आप एग्जाम में बैठे तो आपको कभी भी ऐसे न्यूज़लेटर की तरह पूरा पैराग्राफ नहीं छाप देना, राइट। आपको न्यूज़लेटर नहीं छापना है, आपको एग्जाम में आपको आंसर्स लिखने हैं। सो ऑलवेज एंड ऑलवेज राइट योर आंसर्स इन अ हेडिंग, इन अ सब हेडिंग, एंड यूज बुलेटिन्स। डू नॉट फॉरगेट टू यूज बुलेटिन्स, डू नॉट फॉरगेट टू मेक पॉइंट्स, एंड डू नॉट फॉरगेट टू ब्रेक द पैराग्राफ इनटू बुलेटिन्स और पॉइंट्स। ये बात को आपको ध्यान रखना है। क्यों? देखो यहाँ पे मैंने यार ये जो अब तुम्हारे बैकग्राउंड में जो नोट्स चल रहा है ये मैंने खुद से लिखा हुआ है, बस पॉइंट ये है कि अभी मेरा एग्जाम चल रहा है तो मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं मार पा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको देख देख के पढ़ के आपको बता दी जाए। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है यार कि आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने उसको बिना देखे बोला या देख के बोला, ठीक है। मेरा नॉलेज आप तक ट्रांसमिट होना चाहिए, है ना, यही मैटर करता है। उसके अलावा ये जो बाउंड्रीज है हमारे बीच में कैमरे की, डजेंट मैटर, पॉइंट पे आते हैं। तो यार मैं जो पैराग्राफ की बात कर रहा था उस पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि इट इज़ जस्ट अ साइकोलॉजिकल ट्रिक दैट राइटिंग आंसर्स इन अ पॉइंट विद बुलेटिन लुक्स मोर फैंसी एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, दस एग्जामिनर फील्स ईजी टू चेक एंड गिव मोर मार्क्स देन अदर्स। ये एक पॉइंट था, समझ गया जो मैं कह रहा था। कमिंग टू द फिफ्थ पॉइंट, यूज हाइलाइटर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स टू हाईलाइट हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। यार यहाँ पे ना ये हाईलाइट करना क्यों ज़रूरी है मैं आपको बताता हूँ। जब एग्जामिनर चेक करता है ना तो वो पूरे पैराग्राफ को नहीं पढ़ता, लाइक अगर आपने मान लो कोई लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में अपने 10 पेज पूरे भर दिए तो वो 10 पेज पूरा नहीं पढ़ने वाला है, वो सिर्फ आपके डायग्राम्स को चेक करेगा और आपने उस आंसर्स में जो जो पॉइंट्स को वो हाइलाइटर से कलर किया होगा सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को वो चेक करता है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, एक एग्जामिनर जो है वो सिर्फ एक क्वेश्चन में एक या दो वर्ड्स को देख रहा होता है कि मुझे अगर ये एक या दो वर्ड मिल गया उस क्वेश्चन में जो उसका स्टैंडर्ड वर्ड है, की वर्ड है, कि अगर वो मिला तो इसको नंबर दे दूंगा, अगर वो नहीं मिला तो ये कितनों भी लिख ले इसको नंबर नहीं मिलेगा, है ना। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आप एग्जाम में बैठे आंसर लिखे तो हाइलाइटर यूज़ करें, और हाइलाइटर में उन्हीं पॉइंट्स को आपको हाईलाइट करना है जो आपको लगता है कि इस क्वेश्चन में इस आंसर को सबसे ज़्यादा वैल्यू देगा, या इस आंसर के लिए ये जो पॉइंट्स हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको उनको हाईलाइट करना है। अननेसेसरी का हाइलाइटर यूज़ मत करो, अदरवाइज वो खुद क्लमशी दिखता है, वो खुद बहुत ही अनअरेंज दिखता है, डीअरेंज दिखता है, और एग्जामिनर वैसे भी इरिटेट हो जाता है। तो सारी चीज़ों को हाईलाइट मत करो, ओनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू बी हाईलाइटेड, ताकि एग्जामिनर जो है आपको ज़्यादा नंबर दे सके, राइट। दिस इज अगेन अ पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता था। और ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि एग्जामिनर ऑलवेज ट्राई टू फाइंड दैट वन वर्ड और अ सेंटेंस इन योर आंसर दैट लीड यू टू गेट मैक्सिमम मार्क्स। ओके, कमिंग टू द सिक्स पॉइंट, थोड़ा सा वियर्ड है बट ये सत्य है कि डायग्राम्स का जो वेटेज है ना यार, वो आपके थ्योरी जो आप लिखते हो पैराग्राफ में या बुलेटिन में उससे ज्यादा है। सो डायग्राम्स हैज मोर वेटेज देन व्हाट यू राइट,
इन आंसर. सो ऑलवेज ड्रॉ डायग्राम इन योर आंसर. यार ये MBBS की एक बहुत बड़ा ट्रिक है कि अगर आप MBBS का एग्जाम अपियर कर रहे हो और BDS हो, BMS हो, BPT हो, कोई भी आप एग्जाम अपियर कर रहे हो, विदाउट अ डायग्राम एन आंसर इज ऑलवेज इनकम्प्लीट. विदाउट अ डायग्राम एन आंसर इज ऑलवेज एंड ऑलवेज ऑलवेज इनकम्प्लीट. तो आपको बिना डायग्राम के जो है आप यार पॉसिबल ही नहीं कि आप एग्जाम लिखो और डायग्राम ही ना बनाओ. तो कुछ ऐसे कुछ बातें हैं जो कि स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जामिनर उसको स्टैंडर्ड मान लेता है कि अगर कोई 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन जो लॉन्ग आंसर में आता है, वहाँ पे आपको 5 वेल्डेबल डायग्राम बनाने चाहिए, 5 वेल्डेबल डायग्राम बनाने चाहिए. और अगर कोई शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है जो 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चन जो आते हैं, उसके लिए आपको कम से कम मिनिमम 1 या 2 डायग्राम आपके होने चाहिए. बिना डायग्राम के एक आंसर हमेशा इनकम्प्लीट होता है. तो 15 मार्क्स के लिए 5 डायग्राम्स आइडियली, और जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं 5 मार्क्स वाले, उनके लिए 1 या 2 डायग्राम भी बनाओगे तो दैट विल बी मोर देन इनफ. और जो 1 वर्ड आंसर्स होते हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो होते हैं, उनमें यार डायग्राम्स की नीड होती ही नहीं है. MCQ होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होता है, ट्रू फॉल्स होता है, उसमें क्या ही डायग्राम बनाओगे, राइट? सो अच्छा, ये चीज़ यहाँ पे, आई हैव मेड 1 फुल डेडिकेटेड वीडियोज ऑन हाउ टू गेट मैक्सिमम मार्क्स बाय ड्रॉइंग अ डायग्राम. तो यार मैंने 3rd नंबर का जो वीडियो है इस सीरीज़ का, उसमें मैंने जो है डायग्राम पेपर के बारे में बात की कि कैसे आप एग्ज़ाम में एक डायग्राम को एक अच्छे तरीके से ड्रॉ करोगे आपको मैक्सिमम मार्क्स मिले, राइट? तो वो वीडियो ज़रूर देखें ताकि आप अपने डायग्राम में, एनाटॉमी के डायग्राम में मास्टरी हासिल कर सकें. ऑल्दो आई एम नॉट अ पेंटर, आई एम नॉट अ स्केचिस्ट, बट स्टिल आई नो सम ट्रिक्स टू ड्रॉ अ डायग्राम. यू मस्ट वॉच इट. यू कैन नाउ, अच्छा वो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसी को लिखा यार मेरा एग्जाम चल रहा है, प्लीज़ थोड़ा सा बियर करो. वॉट आई वॉन्ट इज कि मेरा जो थोड़ा बहुत नॉलेज, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस जो है वो आप तक ट्रांसमिट हो जाए ताकि आप एग्जाम में अच्छा करो, है ना? ये बाउंड्रीज डजेंट मैटर. नाउ द लास्ट एंड द 7th पॉइंट इज डू नॉट यूज जेल पेंस. भैया जेल पेंस का यूज़ मत करो. क्यों भाई? जेल पेंस आर मोर लिक्विफाइड. वो थोड़ा सा भी एक वाटर का ड्रॉप गिर जाए ना तो पूरा फैल जाता है ना? तो यार प्लीज़ जेल पेन के यूज़ मत करो. हमें तुम्हारे प्रोफेसर भी ये चीज़ तुमको बताएंगे, बट मैं भी तुमको इस बता दे रहा कि यार जेल पेन यूज़ प्लीज़ मत करो. उसके जगह पे आप डॉट बॉल पेन जो आते हैं वो यूज़ करो, दैट इज़ ऑलवेज बेटर. सो मैं एक बार फिर से पॉइंट, ये हमारे अपने 7 पॉइंट्स थे, मैं इन 7ों पॉइंट्स को एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा, है ना? सबसे पहला पॉइंट जो हमने देखा यार स्टार्टिंग पर, सबसे पहला पॉइंट ये था कि आपको कभी भी फर्स्ट पेज में आंसर नहीं लिखना है. फर्स्ट पेज में तो डेटा होगा, सेकंड पेज जो उसका अपोजिट पेज होगा उसी जस्ट पीछे वाला, वहाँ वो पेज फोल्ड हो जाता है ताकि एग्जामिनर आपका नाम, आपका रोल नंबर ना देख पाए, है ना? तो वो पेज में भी आपको नहीं लिखना है. आपको सीधा 3rd पेज, मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको, जो है ना ये वाला जो पेज है ना, आपको यहाँ से आंसर राइटिंग करना है, ठीक है? सेकंड अपना पॉइंट ये है कि भाई कभी भी ना आप मार्जिन ड्रॉ करना मत भूलो. एक आंसर शीट में अगर मार्जिन नहीं है तो उसको हम डीरेंज्ड और एकदम, मतलब क्या बोलते हैं कि मतलब आइडियली नहीं माना जाता, तो एग्जामिनर जो है ना मार्क्स काटता है ना? तो प्लीज़ मार्जिन ज़रूर ड्रॉ करें लेफ्ट साइड में. और हाँ, एक और चीज़, अगर आपको रफ वर्क के लिए कुछ चाहिए, ऑल दो MBBS में क्या ही रफ वर्क होता है, है ना? बट अगर आपको रफ वर्क करना है तो उस पेज के राइट साइड में मार्जिन ड्रॉ करो. मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि अगर आपको रफ वर्क करना हो तो ये क्वेश्चन पेपर के राइट साइड में आपको मार्जिन ड्रॉ करना है रफ वर्क के लिए, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखें, रफ वर्क को ऐसे ही कहीं भी आंसर्स के बीच में मत कर देना, ठीक है? 3rd पॉइंट ये है कि यार जो पेपर जो है आपको पूरा सीक्वेंस में लिखना है, कभी भी आपको सीक्वेंस ब्रेक नहीं करना है. और अगर कभी सीक्वेंस ब्रेक हो जाता है इट्स ओके. ऐसा नहीं कि आपको नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर मिलेंगे, बट अगर आप सीक्वेंस में लिखते हो तो एग्जामिनर को लगेगा कि आपको सारे क्वेश्चन बरोबर से आते हैं, एंड ही विल गिव यू अ गुड मार्क्स. ओके, दैट इज अ ट्रिक, दैट इज अ मेंटल ट्रिक, राइट? नेक्स्ट आता है 4th पॉइंट. 4th पॉइंट पे अपन बात करते हैं कि यार कभी भी आपको आंसर्स पैराग्राफ में नहीं लिखने हैं. ऑलवेज राइट योर आंसर्स इन अ हेडिंग, देन सब हेडिंग, और फिर उसके अंदर फिर बुलेटिन से आप पॉइंट्स में आंसर डाल के आप लिखते जाओ. ओके, इसके अलावा कमिंग टू द 5th पॉइंट, आपको कुछ हाईलाइटर्स यूज़ करने, और हाईलाइटर्स में सब चीज़ को हाईलाइट नहीं करना है, सिर्फ वो स्पेसिफिक गिनो चिने पॉइंट्स जो एग्जामिनर देखना चाहता है आपके आंसर में उनको हाईलाइट करना है. ओके, ठीक है. इसके बाद 6th पॉइंट है, थोड़ा वियर्ड है, बट वियर्ड क्या होता है, जो डायग्राम होता है ना, डायग्राम का वेटेज जो है ना आपके आंसर राइटिंग से ज़्यादा है. इस बात को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. विदाउट अ डायग्राम एन आंसर इज़ ऑलवेज एंड ऑलवेज इनकम्प्लीट. आप कितनों भी अच्छा लिख लो, आप अगर फिजियोलॉजी पढ़ते हो तो आप चाहे आप गाइडेंस से ही क्यों ना पढ़ते हो या और कोई फॉरेन ऑथर्स की ना पढ़ते हो, अगर आपके पास डायग्राम नहीं ना तो इट डजेंट मैटर कि आप फॉरेन ऑथर की बुक पढ़ते हो या फिर सेम्बुलिंगम जैसे इंडियन ऑथर की बुक पढ़ते हो, डजेंट मैटर. व्हाट मैटर्स इज कि भाई आपने आइडियली जो
आंसर राइटिंग होता है, डायग्राम होना चाहिए, थ्योरी होनी चाहिए, थ्योरी में से थ्योरी मतलब पैराग्राफ की जगह बुलेटिन होनी चाहिए, ये आपको कैरी करना होता है। ओके, सेवेंथ पॉइंट ये है कि यार कभी भी आपको जेल पेन का यूज़ नहीं करना है, बिकॉज थोड़ा बहुत भी अगर वाटर ड्रॉप या कुछ भी गिरे तो वो जेल पेन पूरा स्प्रेड हो जाता है। सो दीज वर द सेवन पॉइंट जो मैं आपको रिवाइज करना चाहता था। अब उसके बाद मैंने यार कुछ कुछ चीज़ें लिखी है कि दिस वॉज द लास्ट सेशन ऑफ दिस मास्टर एनाटमी, वैसे ही फिफ्थ सेशन था, बट फोर्थ सेशन को मैं आपके जूनियर के आने के बाद मैं अपलोड कर रहा हूँ ताकि उनको ज़्यादा हेल्प हो। अब तो आपका यार साल भर निकल गया है ना, तो ये वीडियो कंप्लीट होता है एंड आई होप यू लव दिस वीडियो सीरीज एंड आई जेन्युइनली एक्सपेक्ट यार आई जेन्युइनली एक्सेप्ट यार आई रियली डू अ वेरी वेरी हार्ड वर्क की मैं कॉलेज जा रहा हूँ, पोस्टिंग जा रहा हूँ, हॉस्पिटल जा रहा हूँ, आई हैव सम अदर वर्क्स टू डू एज वेल आउटसाइड कॉलेज। उसके बाद आई एम मेकिंग टाइम, लाइक अभी जो है ना 10:44 हो रहा है और मुझे जो है ना 11:15 को जो है निकलना है, मेरी एक मीटिंग है जो पास पे मेरी एक मीटिंग है, बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट हम आते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, तो थोड़ा ऐसा टाइम मैनेज करना पड़ता है। सो आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि आप मुझे थोड़ा सपोर्ट करो। सपोर्ट कैसे करो, सब्सक्राइब कर लो यार, है ना। सो प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो विथ योर बैचमेट्स, योर जूनियर्स, बिलव्ड वन। सो आप अपने कॉलेज में अपने दोस्तों के साथ, अपने जूनियर्स के साथ इस वीडियो को शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करो कि कैसे है ना, कैसे यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखते हैं। और अगर आप पास होते हो ना तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपके दोस्त भी पास हो। अब ये एग्ज़ाम में चीटिंग करके नहीं कह रहा हूँ, बट एटलीस्ट आपका जो नॉलेज है वो आपके दोस्तों तक, आपके बिलव्ड वन तक ट्रांसमिट होना चाहिए। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ, वैसे ही आपको भी अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करना चाहिए। तो आप ये वीडियो को जो है इसको आप अपने दोस्तों तक शेयर करो, और तब तक के लिए फिलहाल इस वीडियो को अभी यहीं पर बंद करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपने अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया इस बारे में। टिल देन कीप लर्निंग, पढ़ते रहो यार, एग्ज़ाम आ रहा है ना। और अगर कुछ और प्रॉब्लम आता है, कोई भी डाउट आता है, आस्क भी। मैंने इस वीडियो को एकदम अनएडिटेड अनकट रखा हुआ है, इसको मैं ज़्यादा एडिट नहीं कर रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ वो आपके सामने होगा, है ना। तो कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में पूछो, अगर मुझे लगता है कि उसको वीडियो में रिप्लाई करना चाहिए आई विल मेक अ वीडियो, और मुझे लगता है कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना चाहिए आई विल जस्ट लीव अ कमेंट। ओके, सो तब तक के लिए पढ़ते रहो, मजे करते रहो और पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। कुलदीप साहू साइनिंग ऑफ।